सारे ही संत इस संसार दे उत्ते आके होका दिंदे है कि तुसी सुते हो, चोर लटेरे पंजे डाकू थोड़ा घर लुट रहे है। कबीर साहब कहिंदे है मुसाफर जागदे रहना, वो सानू सारिआं नू मुसाफर कह के बयान करदे है। मुसाफर वो आदमी है जिहड़ा के रात कट लग्या भी अगे का ध्यान रखता है कि मैं सुबह सदेहा चलिया जाऊंगा। मुसाफर क्यों कहा गया है? असी कदे किसी जगह जन्म लेने हैं उत्थे फिर मौत आउंदी है, कदे किसी जगह जाके जन्म लेने हैं फिर मौत आउंदी है। मुसाफर वही है कि जिहड़ा एक जगह अपना टिकाणा ना बना सके। यही हालत साडी है। संत जां सानू मुसाफर कह के बयान करदे है, असी मनन वास्ते तैयार नहीं कि असी मुसाफर हाँ। इस वास्ते कबीर साहब कहिंदे है मुसाफर जागते रहना, नगर में चोर आते है, जरा सी नींद गफलत में देख कर चटपट गठड़ी उठाते है। जिन्हों वह थोड़ी जी गफलत करते देखते है उसकी जो पूंजी है नाम की लुट लेंदे है। नामदेव जी कहिंदे है गहरी करके नीम खड़ाई, उपर मंडप छाए मार कंडे ते को दिखाई, जिन तरन तरमून बुलाए। कैरो पांडो बड़े मशहूर बादशाह हिंदुस्तान दे विच होए हन, काफी शक्तिशाली सन। कहन लगे के अज किथे आ वो राजा रौन ने बहुत सारे साधन करके बड़ी सेंस दे अंदर तरक्की कीती सीगी, बहुत वड्डे परिवार वाला सीगा, अज उहदे दीवा बत्ती करन वाला भी कोई नहीं। नामदेव जी कहिंदे है लंका गढ़ सोने दा पिया, मूर्ख रावण क्या ले गया, इत्थों की लै गया, हथ झाड़ के चलिया गया। गुरु नानक साहब कहिंदे है राम गयो रावण गयो, जां को बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुफने ज्यों संसार। सुफना रात नूं आउंदा है, सच प्रतीत हुंदा है, लेकिन जद अख खुलदी है पता लगदा है कि इह तां सुफना सी। इह तां रात दा सुफन है, लेकिन जिंदगी दा भी इक सुफना ही है। इह भी 50 साल दा है, पता नहीं एदू पहली आजू जिहड़ी सी उह कद वीतगी है। 25-20 साल तक तां सानू होश ही नहीं आउंदी गी, विद्या पढ़न दे उत्ते टाइम लग जांदा है या होर कोई कारोबार सिखण ते लग जांदा है। इस तरह जवानी आउंदी है, फिर किहड़ा असी उस पासे सोचदे हैं जाने हैं, फिर भी उस नशे मगरूरी दे विच असी तुरे फिरदे हैं। बढ़ेपा आ जांदा है, बीमारियां घेर लैंदियां हन। सो महात्मा सानू दसदे है असी मुसाफर हैं। ये जिहड़े ठग है पंजे डाकू काम क्रोध लोह मोह हंकार सारे संसार की पूंजी नूं लुट रहे है, और महात्मा इन्हां तों सुचेत करन वास्ते आउंदे है। इन्हां कोले अजीब ही किस्म दे तरीके है। महाराज सावण सिंह आपदी जीवन घटना की आर्मी की एक कहानी सुणाउंदे हुंदे सन कि एक सपाही सीगा जिसका कि काफ़ी रुपया कोई 2000 रुपया उसका आर्मी दे अंदर शाहूकारां दे ठेके हुंदे है, वो ठेकेदार दे पास जमा सीगा। फ्रंटियर दे अंदर लड़ाई लगी सी, पठान लोग आम तौर दे उत्ते अंग्रेजां नाल लड़ रहे सन। वो सिपाही जिस घोड़ी ते सवार सीगा वो घोड़ी उसनू मूँह जोर दुश्मनां दे विच लै गई, उन्हां ने कई गोलियां मारियां, वो सिपाही मर गया। महाजना ने लालच वस हो के वह जिहड़ा रुपया सी 2000 उहदे वारसां नूं ना दिता, किसे कोले गल भी नहीं कीती। आर्मी का यह कानून हुंदा है अगर कोई जवान शरीर छड़ जांदा है जो भी उसका हिसाब किताब है उहदे माता पिता नूं या उहदे वारसां दा वह बेबाक करदे है, लेकिन महाजना ने ऐसा ना किया। लालच वस दे विच वक्त पा के मालक की मौज होई। मैं राती सत्संग दे विच दस्या सी, गुरु नानक देव ने कहा सी कि लै दिते बिन रहे ना कोई, लै दिते बिना कोई रहिंदा नहीं गा। जरूर कोई पुत बन के लैंदा, कोई धी बन के लैंदा, कोई भैण भरा बन के लै जांदा है। ये देने लैने दे हिसाब किताब के मुताबिक ही असी कुटुंब परिवार बन जाने हैं। जदों साडा खत्म हो जाता है उदों असी एक दूजे का साथ छड्ड जाने हैं।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਲੜਕਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਥੌਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਤਵੀਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਮ ਜੋ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਊਂਗਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਠ ਨੇ ਜਦ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ 2.5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਅੱਜ 2.5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਦੱਬੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਤੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਆ 2.5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦਵਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਵੇਗੀ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਣਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਢੂਈ ਤੋੜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਵੇਂਗਾ ਚਲਿਆਵੇਂਗਾ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਵਾਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਗਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਤਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਜਦ ਖਾਣੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ੇਠ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉਤਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬਣੀ ਆ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਦੱਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 20 ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰੰਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ,
ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸੀ ਪਿੱਟਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਵੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਗੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਥ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਥੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਦਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਲੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਜਦ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਦ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੋ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਲਕ ਮਰੇ ਬਾਲਕ ਹੀ ਲੀਲਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰੋਵੇ ਬਾਲ ਰੰਗੀਲਾ। ਜੇ ਭਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਥਕੇਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਪਿੜ ਬੰਧ ਰੋਵੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਰੋਵਣ ਹਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋਂਦੇ ਹੈ। ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਲਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਡਾਕੂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸੰਤ ਕੋ ਦੋ ਕਰ ਜਾਨੀ, ਸੋ ਜਨ ਜਾਨ ਨਰਕ ਦੀ ਖਾਨੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸਰੀ ਮੇ, ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਿਆਣਿਆਂ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਮੂਰਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ 19ਵਾਂ ਸਾਰ ਬਚਨ 125। So far.
स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं तुहानू दसदा हाँ कि थोड़ा जिहड़ा मन है वह परमात्मा की तरफ सौं गया है, दुनिया की तरफों जागदा है। मैं वो उपाउ तुहानू दसदा हाँ कि जिहदे नाल थोड़ा दुनिया की तरफ मन सौं जावे, परमात्मा की तरफ जाग पवे। लेकिन इत्थे आके असी लोग अजीब ही अकल के मालिक हैं, मन नू जगाउण दी खातर कित्थे जाने हैं, की साधन करते हैं, या तो पैसा जोड़ के तीर्थां ते चले जाने हैं, लेकिन असी ठंडे दिल नाल कदे भी महात्मा की बाणी नू नहीं विचारियागा कि तीर्थ क्यों बने, इन्हां दा महात्म क्यों है, क्योंकि उस जगह दे उत्ते किसी ना किसी महात्मा ने तप अभ्यास किया हुंदा है। जिस तरह गंगा है, वैसे तो 1500 मील लंबी वहिंदी है जमीन दे उत्ते, लेकिन वह थोड़े जे थां दा क्यों महात्मा है भाई? उत्थे रामचंद्र जी महाराज ने अपना तप अभ्यास किया, इस वास्ते असी उन्नी जगह पवित्र मनते हैं। इस वास्ते इसे तरह श्री अमृतसर साहब नूं असी क्यों पवित्र मनते हैं? उत्थे गुरु साहबाना ने तप अभ्यास किया, सत्संग किया, नाम का प्रचार किया। इसे तरह कुलैत के अंदर असी क्यों अच्छा समझते हैं कि उत्थे कपिल मुनि ने अपना तप अभ्यास किया? ये ठंडे दिल विचारन की गल है। जब तो महात्मा उस जगह दे विच सन, वह तो नाम भी मिलता सी, सत्संग भी मिलता सीगा, और जो उन्हां दा प्रचार सी, जिहड़े जीव जांदे सन उह फायदा उठाउंदे सन। अज तां तुसीं देख ही सकदे हो कि जिस वक्त रामचंद्र जी ने तप अभ्यास किया सीगा, उदों हरिद्वार के अंदर कोई मवेशियां मेला नहीं हुंदा सी, कोई सिनेमे का तो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा सीगा। उत्थे की सी, आम साधु महात्मा जाके अपनियां जगह बना के तप अभ्यास करदे सी। अज तुसीं देख सकदे हो उस जगह हरिद्वार दे विच वध तों वध सिनेमे बने है, क्योंकि सिनेमियां नूं पता है कि लोग इत्थे हुण ज्यादे आउंदे है, ज्यादे खट्टी होगी। जिन्हें भी तीर्थ है, मैं किसी की निंदा नहीं करता गा, तो सारे तीर्थां दे उत्ते जाके देख सकते हो। उत्थे वध तों वध तमाशे अजकल चालू हो गए है, वध तों वध फिल्मां लग गईआं है। सो महात्मा तां सानूं प्यार दे नाल दसदे है कि तीर्थ तां महात्म जिथे भी बैठ जाते हैं उत्थे तीर्थ हो जाते हैं। महाराज सावन सिंह दसदे होंदे कि कोई आदमी पुष्कर जा रहा सीगा, किसी ने पूछया भी कित्थे जा रहा है, कहिंदा जी तीर्थ यात्रा मैं जा रहा है, सुनया भी तीर्थ दे उत्ते इशनान करिए तो अगला जन्म जिहड़ा है इंसान का मिलता है। वह समझदार व्यक्ति सी, वह कहिंदा हुण किहड़ा तू गधा है, होता है हुण भी इंसान है, जिहड़ा फिर आके कम करेगा तू अज कर लै। सो महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है कि तीर्थां दे उत्ते तुसीं देख लो, कबीर साहब कहिंदे है, जल का मजन जेगत पावै, नित नित मैंडक नावै, तैसे मैंडक तैसे ओ नर फिर जोनी आवै। कह लगे तुसीं ठंडे दिल नाल देखो, उन्हां तीर्थां दरियावां दे अंदर बहुत सारे मच्छ डड्डू वगैरह रहिंदे है, अगर वो रोज़ नहाउण वाले मुक्त नहीं हुंदे गे, जिहड़े असीं साल दो साल तो जाके नहावांगे, कबीर साहब कहिंदे ओह किस तरह मुक्त हो सकदे है। इस वास्ते कबीर साहब तां इत्थों तक कहिंदे है, गंगा तीर जे घर करें पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त हो, इउं कथ रहे कबीर। साल विच दी नहाउणा तां कबीर साहब कहिंदे इक पासे रह गया, अगर तू ओह तीर्थ दे उत्ते घर बना लवें, रोज़ ओह तीर्थ दा पाणी पीवे, फिर भी तू मुक्त नहीं हो सकदा गा। गुरु नानक देव जी महाराज किस नूं सच्चा तीर्थ कहिंदे है? ओह कहिंदे है कि ये शरीर सरबर है संतो इशनान करे लिवलाए। अगर कोई सच्चे तो सच्चा तीर्थ है या तलाह है, वो तुहाड़ा शरीर है, तुहाड़ी देह और वजूद है, इहदे अंदर जाओ, अंदर जाके इशनान करो। नाम इशनान करे से जन निर्मल शब्द मैल गवाए। तुसी नाम दे विच जाके इशनान करो, क्योंकि साड़ी आत्मा दे उपर पहला अस्तूल पड़दा है। इसदे अंदर सूक्ष्म है, उसके अंदर कारण है, जिवें एक पिंजरे से दूसरा चढ़िया है, दूसरे तीसरा चढ़िया है। जब असी तिन्ने पड़दे आत्मा दे तोला लैने हैं, ये दसवें द्वार दे विच पहुँच जाती है, जिसनों रिखी मुनि तुरबेणी करके बयान करते हैं, कबीर साहब प्रागराज कह के बयान करते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज उसनों सच्चा अमृतसर करके बयान करते हैं। गुरु अमरदेव जी महाराज की बाणी दे विच आउंदा है, सच्चा अमृतसर काया माहे, मन पीवा पाए सो पाए है। जिस अमृतसर दे विच ना के तुहाड़ी मुक्ति होनी है, वह तुहानू दसवें द्वार दे विच मिलेगा। सारे पढ़ते आत्मा तो लाओ, ता जाके उत्थे इशनान कर सकती है। इस वास्ते आप कहिंदे है कि बाहर के किसी भी साधन या कर्मकांड दे नाल तुहाड़ा मन नहीं जागदा गा, बल्कि अंदर हंकार आ जाएगा,
मैं इतना पढ़िया है, मेरे वर्गा कौन है, मैं इतना वर्त रख ले है, मैं इतना संजमी है, मैं इतने अच्छे अच्छे कर्म करदा है, सवाए हकार तो होर कुछ भी पले नहीं पैंदा गा। महात्मा सानू दसदे है अगर पुनदान ते रीझ दा तां उहनूं अमीर लोग ही प्राप्त कर लैंदे, गरीब विचारे रह जांदे। अगर पढ़ पढ़ा आई वाले उसनूं प्राप्त करदे तां चतर लोग उसनूं पा लैंदे, जिहड़े भोले भाले सी उह रह जांदे। इसे तरह अगर पानी दे विच नहाउणा महात्मा कहिंदे आ जे मिलदा हुंदा तां डड्डू मच्छियां उहनूं पा लैंदे, इंसान विचारे रह जांदे। इस वास्ते महात्मा प्यार नाल कहिंदे आ, उहनूं तां प्यार दा बंधन पाया जांदा है, उस वास्ते प्यार पैदा करिया जांदा है। सब तो पहला उस प्यार दे समुंदर संत कोले जाना पैंदा है जिसने कि प्यार पैदा कीता हुंदा है। कबीर साहब कहिंदे आ, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट वकाए, राजा राणा रंग सब सीस दिए लै जाए। प्रेम खेतां च नहीं उगदा गा, बाजारां विच विकदा नहीं गा। अगर विकदा हुंदा तो व्यापारी लोग इसका वणज कर लेंदे, इस नूं आसानी नाल प्राप्त कर लेंदे। अगर खेतां च उगदा हुंदा तां जिमीदार लोग इस नूं आसानी नाल ही पैदा कर सकदे सीगे। कबीर साहब कहिंदे तां अपना आप कुरबान करन दा मार्ग है, जो अपने आप नूं कुरबान करदा है उही इस नूं प्राप्त कर सकदा है। गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे आ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान न कीजै। अगर भरावा इस पौड़ी दे उत्ते तां पैर धरना है तां सब तो पहला तैनूं अपना आप वारना पएगा, अपना आप गुरु दे हवाले करना पएगा, अपने मन दी मत सिट के गुरु दी मत दे उत्ते चलना पएगा। सो इस वास्ते इत्थे क्यों करन दा सवाल नहीं गा। जो कहिंदा है जे असीं दोए गल्लां करिए, सलाम जवाब दोनों करे, कोई ना आवे रास। गुरु नानक साहब कहिंदे आ, एक पासे तां असीं गुरु मत दे उत्ते भरोसा करदे हैं, दूजी घड़ी असीं टुट जांदे हैं, और फिर कहिंदे जी अभ्यास नहीं हुंदा। तुसीं खुद सोच के देख लो, प्यार दे विच तां किसे भी चीज़ का बोझा ही नहीं महसूस हुंदा गा। प्यारा तां जो भी कहिंदा है असीं उही कर लैंदे हैं। इस वास्ते प्यारे नूं असीं खुश करन वास्ते कदे भी उहदे सामणे कोई बुरियाई नहीं करदे गे। असीं सोचदे हैं कि साडा इह प्यारा जिहड़ा है इह गुस्से हो जाएगा, लेकिन कदे सोचिया है कि सतगुरु जो कुल मालक है शब्द रूप हमेशा सेवक दे नाल रहिंदा है। कदे असीं भैड़ा खोटा कर्म करन लग्गिया ने इह सोचिया कि गुरु सानूं देख रहा है, उह की महसूस करेगा। असीं सोचदे हां उह तां कितें डेरे च बैठा है, आश्रम च बैठा है, इत्थे किहड़ा है, किहड़ा देख रहा है, बूहा बंद है। सो महात्मा प्यार दे नाल दसदे आ, इह तुसीं ख्याल दिल चों कढ दिओ। इस वास्ते आप कहिंदे आ, मैं तुहानूं उह उपाउ दसदा है जिहदे नाल तुहाडा मन जाग पए और परमात्मा दी तरफ चल पवे जी। तीर्थ करे भारत पीरा के, विद्या पढ़ के हुए सुजन, जप तप संयम बोविद तारे, संतां दा जाति तजर्बा हुंदा है क्योंकि उन्हां दी जिंदगी तजर्बे तो गुजरी हुंदी है, फिर ही उह सभा दे विच बैठ के बोलदे है। जिस तरह स्वामी जी महाराज कहिंदे है कि इह काल दे धोखे रचे होए आ, जप तप संजम वगैरह इहदे नाल परमात्मा मिलदा हुंदा तां सारिआं नूं मिल जाणा चाहीदा सी। मैं इह सारे कर्म खुद कीते आ, तप वगैरह धूणियां वगैरह तपाउंदे रहे हैं, लेकिन इहनां दे नाल कोई शांति नहीं सी। जब मैं धूणियां तपा के बाबा बिशन दास दे पास गया, दिल दे विच ये ख्याल सीगा कि मैं धूणियां तपाइया है, बाबा जी बड़े खुश होणगे क्योंकि वो बड़े अच्छे इंसान सन, पवित्र इंसान सन। वो मैनू कहण लगे कि पंज अग्गा तां पहले अंदर सड़ी जा, तैनू साड़ी जांदियां है, काम की अग है, क्रोध की अग है, लोभ की अग है, हंकार की अग है, बाहर होर अग्गा जलण का की फायदा सीगा। सो महात्मा के कहण का भाव इतना ही हुंदा है कि बाहरला चाहे तुसीं जिन्ना मर्जी श्रेष्ठ कर्म कर लो, उहदे नाल तुहाडे मन ते कोई असर नहीं होएगा, अगर होएगा तो हंकार दा ही होएगा। सो इस वास्ते आप कहण लगे, इह सारे असीं कर्म करके देखे है। गुरु अर्जन देव जी भी महाराज कहिंदे है, पाठ पढ़िओ अर वेद विचारिओ, निवल भोए अंगम साधे, पंच जन्ना सो संग ना छुटके, अधिक अह बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार प्रया स्वामी के द्वारे, दीजै बुद्ध बबेका, मोन रहो कर पाती रहो,
नगन फिरियो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भरम्यो दुबदा छिड़कै नाही। आप कहने लगे धरती की परिक्रमा भी करके देखी, मोनी होके भी देखिया, हथ ते मंगिया, हथे खादा तुरे जांदे ने ये करके भी देखिया, जप तप पाठ वगैरह सब कुछ कीते, लेकिन गुरु साहब कहने लगे सानू इन्हां कर्मां नाल परमात्मा नहीं मिलिया। ता मैं की कीता, हार पड़िया स्वामी के द्वारे दीजा बुद्ध बबेका। आखिर मैं थक के गुरुदेव के चरणों ते आके डिगया। उन्होंने सानू बबेक बुद्धि दिती, अच्छी गल नू नाम नू समझण दी बुद्धि दिती। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे आ, इन्हां कर्मां नाल ओ मन साडा जागदा नहीं गा, बल्कि होर भी हंकार दी मैल ला लैंदा है जी। जप तप संयम बोध धारी, मोनी हुए निदान, आसयो पाओ हमें बहुत कीने, कहिंदे कि होर भी बहुत सारे उपाउ असी कीते, लेकिन ये मन जागया ना, बल्कि हंकार नू खड़ा करके विच होर दीवार करड़ी बना के बैठ गया। आसे उपाउ हमें बहुत कीने, परम पिता कृपाल कहिंदे हुंदे सन भुखे नूं रोटी प्यासे नूं पाणी कुदरत दा असूल है जरूर दिंदी है, जे साडे अंदर तड़फ है ओ परमात्मा जरूर उस तड़फ नूं बुझाउण वास्ते, तड़फ नूं शांत करन वास्ते जरूर आउंदा है। उहनूं सद्दण दी लोड़ नहीं, सिर्फ तड़फ बनाउण दी लोड़ है, उहदे वास्ते पवित्र बनण दी लोड़ है, उहनूं पवित्रता प्यारी है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे कि भगवान का मिलना नहीं औखा, इंसान का बनना ही औखा है। सो इस वास्ते भगवान तो इंसान की तलाश दे विच फिरदा है। हुण असी ये सोचते हैं कि दुनिया का विषय बकारा करनियों भी साडा मन ना मुड़े, ये भी स्वाद असी चख लीए और परमात्मा भी सानू मिल जाए। कबीर साहब कहिंदे है कि ये दो गल्लां कदे नहीं हो सकदियां, कदे भी जिंदगी च नहीं देखिया कि एक खड़ग दे विच दो, एक म्यान दे अंदर दो तलवारां पईआं होण। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है जब ए रस आवै तब ओ ना रहावै। एक रस ही लवोंगे, या शब्द नाम दा रस लो, या परमात्मा नूं पा सकदे हो, या दुनिया दे रस लै सकदे हो। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है कि एक रस ही तुसीं प्राप्त कर सकदे हो, और जो साढ़े दिल के अंदर परमात्मा दे मिलन की तड़फ पैदा हुई, खोज शुरू हुई कि तड़फ नूं कौन बुझाएगा, इस जिंदगी दे मसले नूं मौत और पैदाइश दे नूं कौन हल करेगा, वह परमात्मा ने खुद ही दया की, क्योंकि वह परमात्मा जिहड़ा है वह बेइंसाफ नहीं। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी कि जिस दे बूहे दे उत्ते बलद बद्धा खड़ा है, घर वाले नूं सारा फिक्र है कि मैं इस नूं कद छावें करना है, कद इस नूं पानी पिलाउणा है, इस तरह वह परमात्मा बेइंसाफ नहीं। जब साड़ी तड़फ देखता है वह सतगुरु नूं जरूर भेजदा उत्थे, क्योंकि महात्मा जिहड़े हुंदे है वह दिलां दीआं जाणदे हुंदे है, जिस कोल ते वह कम करदा है वह इस तरह हुंदे है कि जिस तरह कोई आदमी पहाड़ ते खड़ा है उसनूं दूर नेड़े सब पता है कित्थे अग लगी है और किस जगह पानी है, क्योंकि उच्ची जगह खड़ा है। इस तरह महात्मा की जिहड़ी देखनी है वह हमेशा ही परमात्मा नाल जुड़े हुंदे है। जब उपरों जाके वह देखते हैं उन्हां नूं पता है कि साड़ी याद विच कौन बैठा है, कित्थे बैठा है, उन्हां नूं दूर और नेड़े का कोई फर्क नहीं पैंदा, वह खुद ही जाते हैं। ये तो असी जीव अणजाण है, जिहड़े असी ये सोचते हैं कि शायद असी दसांगे तां ही महात्मा नूं पता लगता है, लेकिन ऐसी गल नहीं गी। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि संत सतगुरु एक अणजाणा की तरह जिंदगी जिउंदे है, लेकिन जे कोई ये आदमी गल कहे कि मैं सतगुरु नूं बुद्धू बना लूंगा, कदे भी नहीं बनदा गा।
क्योंकि जो अंदरला स्वरूप काम करता है बाहरले स्वरूप नूं पूरी जानकारी हुंदी है, जो बाहरला स्वरूप करता है उस नूं उस दी अंदरले नूं पूरी जानकारी हुंदी है। हाँ वह साड़ी तरह नमैश नहीं लाउंदे गे, वह हमेशा एक अणजाणी जी जिंदगी जिउंदे है, भोले भाले बन के इस संसार विच अपना सफर करते हैं। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे अगर जे संत सतगुरु जीव दे ऐब दसन तां उन्हां तों कोई फायदा नहीं उठा सकदा गा। आप एक पिशौर की कहानी दसते होंगे सी, उत्थे एक बुढ़ी माता सी, उहदा इह काम सीगा अगर कोई उत्थों दी औरत लंघदी उहनूं कहिंदी तूं फलाने मर्द कोलों आई है, तेरा चाल चलन ठीक नहीं गा। अगर कोई मर्द लंघदा उहनूं कह दिंदी तूं फलाने औरत कोले गया, तेरा चाल चलन ठीक नहीं गा। डरदे मारे लोग उस गली वी दी ना लंघदे कि उह बुढ़ी बैठी होएगी, उहदे नाल तां लड़ाई मुल लैणी पएगी। इसे तरह संत सतगुरु अगर साडे पास जा जदों असीं जाने उहनां दे कोले इह दसण कि तूं इह ऐब करके आया है, इह कर रहा है, असीं कदे वी नहीं जा सकदे गे, उहनां तों फायदा नहीं उठा सकदे गे। महात्मा अणजाण दी तरह सानूं शाबाश दिंदे है, भाई तू तां बड़ा सियाणा है, इह तां हुण असीं सोचणा कि असीं किन्ने क सियाणे है, किन्ने क समझदार है। सो इस वास्ते महात्मा सानूं प्यार नाल दसदे है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, वह सारा कुछ जानते हैं, वह अंदर बैठे है दिलां दीआं जानदे है। सो जदों साडे अंदर खोज पैदा हुंदी है, तड़फ पैदा हुंदी है, उदों की करदा है वह सचखंड दा आसन छड के जरूर आउंदा है, वह साडी तपश बजाउंदा है। मैं दसदा हुंना कूक सुणी जद जैब दी गई कलेजा चीर, आसन छोड़ सचखंड दा आया कृपाल अखीर। आखर वह मेरी कूक सुन के राजस्थान दीआं झाड़ियां दे अंदर जिथे कि पानी पीण नूं नहीं मिलदा गा वह उत्थे पहुंचिया, बगैर बुलाया पहुंचिया, क्योंकि उहदी दया सी, उहनूं पता सी कि मेरी तड़फ वास्ते कौन बैठा होया है। तो मेरे कहण दा भाव इतना ही है, खोजत खोजत सतगुर पाए उन ये युगत करी प्रमाण। संतां नूं जदों असीं मिले उहनां ने जुगती दसी कि किस तरह अंदर जाना है और किस तरह जाके मन नूं जगाउणा है, किस तरह आत्मा नूं शब्द दे नाल जोड़ना है। जी खोजत खोजत सतगुर पाए करो। मुक्ति दे साधन तैन दसदा है महात्मा दी संगत और सोबत करो, उन्हां ते भरोसा करो, जो दसदे आ उस दे उत्ते चलो। इउं ना करो कि जिवें कोई महाजन सत्संग दे विच जांदा, बहुत साल जांदा रहा, आखिर धोती झाड़नी करे आ जाना। एक दिन उसदा लड़का गया, जो कुछ सत्संग दे विच सुनिया उत्थे यही सी कि हर जीव नाल प्यार करो, किसे दे वास्ते बुरा ना सोचो, क्योंकि परमात्मा सब दे अंदर बैठा होया है। घरे आया गऊ किते दुकान दे उत्तों आटा खा रहे सी, दिल च ख्याल आया बहुत मकाना दा किराया आउंदा है, बहुत पैसा बैंकां दे अंदर पिया होया है, अगर ये 2 किलो आटा खा जाएगी इहदे अंदर भी परमात्मा है, की फर्क पैण लग्या है। शाहूकार दुकान नूं आ रहा सी, जदों गऊ नूं वेख्या आटा खांदी नूं उह बड़ा खफा होया, उह अन्ने दे आन्या तैनूं दिस नहीं रही गऊ तेरे कोले आटा खा रही है। उह कहण लगा पिता जी परमात्मा ने बड़ा कुछ दिता है, अगर ये जीव 2 पुरख ला लेगा की फर्क पैण लग्या है। उह कहण लग्या ये तू कित्थों सिख के आया, कित्थों मत तैनूं आई। उह कहण लग्या मैं तुहाडे थां सत्संग च जाज गया सीगा, सत्संग दे विच महात्मा कहिंदे सीगे कि किसी का बुरा ना चितबो, सब अंदर परमात्मा है, सब दे वास्ते दिल अंदर जगह रखो। वह कहण लग्या मैनू 30 साल हो गए सत्संग दे अंदर जांदे नूं, अगर मैं इह जिहियां गल्लां सुणदा जां पल्ले बन्नदा तां घर ही उजाड़ देना सीगा, खबरदार मुड़ के ना जाई, जे गया तां उत्थों दीआं उत्थे छड्याई दीआं हुंदीआं है। सो महात्मा कहण दे भाव इह है कि सानूं इस तरह का सत्संग नहीं करना चाहीदा, सत्संग दे अंदर जो कुछ भी असीं सुनते हैं उस उत्ते अमल करना है। मोटे मोटे थोड़े जे ऐब हुंदे है, अगर आदमी एक ऐब एक सत्संग दे विच छड्डे तां 5-4 सत्संगां दे विच ये ऐब छड़ सकदा है, पवित्र हो सकदा है। इस वास्ते आप कहण लगे कि बड़ी तो बड़ी कुरबानी भी परमात्मा नूं पाउण वास्ते छोटी हुंदी है। सो इस वास्ते आप कहिंदे तन नूं कुरबान कर दिओ, अगर असीं तन गुरु तों कुरबान कर दिता
कि असी इहदे नाल विशे बकार भोगांगे, कि इसके अंदर शराबा पावांगे, मीट खावांगे। असी कह दें जी साथों मीट खाधा गया, शराब पीती गई। सोच के देख लो जे गुरु के उत्ते असी कुरबान किया हो, कि असी इस तंत नूं भैड़े खोटे कर्मां वास्ते वरतांगे। अगर जे मन गुरु के उत्ते कुरबान किया है कि असी इहदे नाल दुनिया के संकल्प वैकल्प वगैरह उठावांगे, नहीं गुरु का ही सिमरन करांगे। इसे तरह अगर जे असी धन दौलत गुरु की समझी है तो सात संगत ने अंदर ही लावांगे, असी उन्हूं भैड़े खोटे कर्मां वास्ते कदे भी नहीं ला सकते गे। असी सोचते हैं गुरु की है, इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल सानूं समझाउंदे है। वह आके सानूं दसदे है कि तीन चीज़ां कायम कर लो, सत्संग और जो महात्मा कहिंदा है उस दे उत्ते अमल करो, और बड़ी तो बड़ी कुरबानी जिहड़ी है वह भी परमात्मा नूं पाउण वास्ते छोटी है। महात्मा सानूं दसदे है कि अगर असी मन दे नाल संघर्ष करके जित जाने हैं तो अगे वो परमात्मा सतगुरु सानू परम पद का इनाम दिंदा है, जेड़ा कि किसी तरह भी सानू प्राप्त नहीं हो सकता गा। एदों वड्डा होर कोई इनाम नहीं गा। दुनिया के इनाम जेड़े है ये ना तो दुनिया देन लगी अगा पिछा देखती है जो साड़ी वाह 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 करती है, और ना खोण लगे ही अगा पिछा देखते दे है। थानू पता ही है कि जो साड़ी लोग जय जयकार करते हैं, गलों में हार पाते हैं, मन फुलिया नहीं समाउंदा, अखबारों में पिक्चर आउंदियां है कि असी पता नहीं किड्डे क सियाने हैं, किन्ने क समझदार हैं, पता नहीं असी किन्ने क हुनर वाले हैं, जिहड़े लोग साड़ी वाह 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 करदे है, इन्हां खड़ियां दे विच हार पए। लेकिन इतिहास दसदा है, अखां नाल भी देखदे हैं कि किस तरह घटना घट रही है जवाने दे अनुसार, कि उही आदमी जां दूसरी पार्टी का जोर पै जांदा है वह गोलियां नाल उड़ा दिंदे है, और जिथे हार गलां विच पाउंदे है उही आदमी छित्र मारदे है और सुआह सिर दे विच धूड़दे है। तुसी देख लो अखबारां दे अंदर उही लोग बेइज्जती करन लग जांदे है। सो महात्मा प्यार नाल समझाउंदे है, ना तो दुनिया की जिहड़ी वडियाई है यही महात्मा प्राप्त करन वास्ते सानू दसदे है, ना कोई बेइज्जती कोई डराउंदे है। महात्मा तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है कि लोकन की वडियाइयां बस अंतर जालो, कहण लगे दुनिया दीआं वडियाइयां तां प्राप्त की करनियां सी, इहनां नूं अग दे विच सुट दिओ। मैं दसदा हुंदा है कि महात्मा हमेशा ही सहज अवस्था नूं प्राप्त करदे है, ना तो वह निंदकां तों ही डरदे है, ना अपने प्रशंसकां दी तरफ ही उहनां दी तवज्जो हुंदी है। वह कोई किसी की वडियाई दे अंदर आके फुल नहीं जांदे गे, अगर कोई निंदिया करदे आ उस तों घबराउंदे नहीं गे। इस वास्ते वह हमेशा अपना जीवन जिहड़ा है उच्चा सुच्चा रखदे है। सो महात्मा दे कहण दा भाव इतना ही है कि आप शब्द नाम की कमाई करो, परमात्मा नूं पाउण वास्ते जिन्नी भी कुरबानी हो सकती है उन्नी भी छोटी है जी। सत संग करो संत को सीवो, तन मन करो कुरबान, सत गुर शब्द सतगुरु का दिता होया सिमरन करते हैं, फैलिया होया ख्याल साडा तीसरे तिल ते एकाग्र हो जाता है, अखां तो थोड़ा जा उपर असी हो जाने हैं तो गगन इस नूं कहिंदे है। कहन लगे कि इस जगह अपनी बैठक बना लो, यही साडे घर की शुरुआत है, यही साडा बूआ है। तो आप कहन लगे कि वह शब्द सचखंड तो आ रहा है, साडे मत्थे दे विच हमेशा तनकारा दे रहा है जी। सतगुर शब्द सुनो गगन चढ़े, चेत लगाओ अपना ध्यान, जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। जदों असी शब्द नाम की कमाई करते हैं, जिमें जिमें पहाड़ की कोई नज़दीक जाता है उवें उवें सर्दी बढ़ती जाती है, गर्मी तो छुटकारा हुंदा जाता है। जिस तरह असी जे गोटियां तक आ गए हौसला हो गया, इदू उपर चले गए होर हौसला हो गया, जां साडा ख्याल उपर चलिया जाता है तीसरे तिल ते बैठक बना लैंदा है, होर साडे ख्याल पवित्र हो जाते हैं। जिमें जिमें उपर तरक्की करते हैं
ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਦਮੀ ਸੱਤ ਵਲੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੌਂਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਮ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਇਹੀ ਮਨ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਮਨ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੂਰਤ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਕਿ ਇਹ ਬਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਗੈਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਅਰਥ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ ਤਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਜੰਪਰ ਵੱਧੇ ਮਾਰੀਐ ਜੋ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੈਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰਾ ਜਮਕਾ ਠੈਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਏਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨਹੋਂ ਲਿਆ ਬਚਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮ ਦਾ ਜੋ ਲੱਠ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਰੋਹ ਉੱਠਦੇ ਹੈ,
आप कहने लगे एक सतगुरु मिलिया जिन्हें दया करके नाम दिता, मैनू तो भरावो गुरु ने बचाया है। मैं इसे वास्ते कहना है कि सतगुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुसी गुरु नू ढूंढो, वो तो नाम प्राप्त करो, उदी शरण विच रहो जी। जिन्ना चिकर संत सतगुरु नहीं मिलता गा उन्ना चिकर असीं भटकते हैं, डोलते हैं। बगैर संतां तो शब्द की पछाण नहीं। मैं दसदा हुंदा है कि अंदर काल दे भी शब्द है। काल कोई मौका हाथ चो नहीं जान दिंदा गा, क्योंकि निचले चक्रां दे उत्ते भी रोशनी है, शब्द दियां आवाजां हन। जद असीं किसी अधूरे महात्मा के पास जाने हैं उत्थे काल अपना तजर्बा दे दिंदा है। जे विचारे लचार है इन्हां नूं पता नहीं कि यह जिहड़ी जोत सानूं नज़र दे विच आउंदी है यह किहड़े चक्कर दी है, कित्थों दी है। सो अंदर जिहड़े पूरे सतगुरु है उन्हां नूं पता है कि काल दे शब्द किहड़े है, दयाल दे किहड़े है, किहड़ा शब्द इस नूं असीं फड़ाउणा है। सो आप प्यार दे नाल कहिंदे आ अंतर शब्द सुरत धुन जागा, सतगुरु झगड़ नवेड़ा है। अंदर गुरु जिहड़ा पूरा है वह बैठा है, वह आत्मा नूं दसदा है कि ये शब्द नूं पकड़ना है, इस नूं छड़ना है। सो इस वास्ते अंदर भी काल ने बड़े कुर्रे रचे हुए है, आत्मा वास्ते फूल पलियां बनाईया हुई हैं। सो इस वास्ते आप कहिंदे आ बगैर पूरे संत सतगुरु तो काल की पछाण ही नहीं। काल ने अंदर अपने मंडलों के अंदर आत्मा दियां डोरियां छुपा के रखियां है। पूरा गुरु ही उन्हां तों डोरियां प्राप्त करके सतलोक विच बन सकता है। बाकी जिसका आप दी जोड़ डुबंदे आप से तारे किनखे, तरंदड़े पी तार नानक पिर से रतिया। जिहड़ा आप डुब्या है दूसरे नूं की तार सकदा है, तरिया ही तार सकदा है, पहलवान ही पहलवानी सिखा सकदा है। जो जुड़िया है परमात्मा दे नाल उही जोड़ सकदा है जी। अंत बिना सवे पटकी डोले, बिना संत ने शब्द पहचान, शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तू की सूरत लगा दे तान। संत महात्मा शब्द उस ताकत नूं कहिंदे है जो सारी दुनिया की परवरिश करती है, सब नूं पालदी है, जिसके आधार से खंड ब्रह्मांड साडे चल रहे है, खड़े है। गुरु नानक देव जी महाराज उस शब्द की महिमा गाउंदे है। शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द पिया प्रकाश, कहन लगे शब्द ने धरती प्रकाश सूरज चंद्रमा सितारे सब कुछ बनाए है। तो सिख पूछन लग्या कि धरती सितारे चंद्रमा वगैरह ही बनाए है, कुछ होर भी बनाया है? गुरु नानक साहब कहिंदे सगली सिठ शब्द के पाशे, ये जिहड़ी तुहानूं चलदी फिरदी दुनिया नज़र दे विच आ रही है इन्हां दे अंदर भी वो शब्द ही कम कर रहा, शब्द दे सहारे चल रही है जी। शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तुम भी सूरत लगा दे कान, कर पावे चौरासी छूटे, जन्म जन्म शब्द नाम की कमाई नाल की होएगा, सचखंड का बूहा खुल जाएगा, परमात्मा आपके चरणों के जगह दे देगा। तो आप कहन लगे जेड़ा हरेक जन्म के कष्ट उठाता सें, दस नंबरियां की तरह हथकड़ी लगी रही सी, उस दी तेनू माफी हो जाएगी जी। कर पावे चौरासी छूटे, जन्म जन्म की के खान।
स्वामी जी महाराज ने एक छोटे जी शब्द के अंदर बड़े प्यार ना दसिया के किस तरह तसी गफलत दे अंदर सुते हुए हैं, मन साडा साडे उते हावी होया बैठा है, क्योंकि जब किसी भी आत्मा के अंदर परमात्मा के मिलने का शौक पैदा होता है, बिरे तड़ पैदा होती है, तो मन की करता है, अजीब ही किस्म के अभ्यासा अंदर पसा दिंदा है, सुरत शब्द तो दूर ले जाता है। सो इस वास्ते आप कहते हैं बाहर का जितना भी रीति रिवाज है वो थोड़ा मन नहीं जागता गा, मन जदों भी जागेगा शब्द नाम की कमाई नाल ही जागेगा। तो आप कहने लगे बगैर संत सतगुरों की शरण तो साडा जम्मण मरण कदे भी नहीं मुकदा गा, जिन्ना चिकर के असी उन्हां दी शरण विच नहीं जांदे गे। गुरु अमरदेव जी महाराज कहिंदे आ अनेक जूनी भरम आए बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फेर मुक्त पाए लग चरनी सतगुर शब्द सुनाए। भरावा मुक्ति इसे तरह ही होएगी, सतगुरु कोल जाना पएगा, नाम प्राप्त करना पएगा। तेरी मर्जी है जे होर जूनिया विच चक्कर मारने आ, लेकिन मुक्ति जद होएगी शब्द नाम की कमाई नाल ही होएगी। पर पावे चौरासी झूठे जन्म जन्म के होवे हाल, राधा स्वामी कहे बुझाई बिना संत सब पट के खान।